गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर गांव जाने की तैयारी हो रही है, तो सारे कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए और पैकिंग मेरे पति देव कर रहे हैं, क्योंकि बैग जो है बक्से में रखा हुआ था तो वो आए फिर निकाले, तभी उन्होंने फिर इसी में पैकिंग कर दिया। मैं कुछ काम कर रही थी और ये रात के 1:15 का टाइम है, तो होली जब जली है तो फिर यहाँ पतिदेव मेरे गन्ना वगैरह लेकर जा रहे हैं। बाकी और कुछ आइटम तो नहीं लिया है, क्योंकि बल्ला और नारियल वगैरह ले जाया जाता है, लेकिन गांव जाना था तो इस वजह से कुछ लिया है नहीं। और फिर रात रुक गए तो ये हुआ कि चलो गन्ना ले आते हैं, तो फिर वही खाली गन्ना और जो बाली होती है और जो इसमें चने लगे होते हैं वो मतलब भूज कर लेकर आ रहे हैं। ये आगे आगे मेरा बेटा है और पीछे पति देव हैं। हैप्पी होली। और रात की बज रहे हैं 1:25, 1:25 हो रहा है। और जब होली जला कर आते हैं और मतलब होली की अग्नि वगैरह लेकर आते हैं, तो उसके बाद हम लोगों के यहाँ गुलाल से सब लोग मिलते हैं। तो वही बाबू मेरा गुलाल मेरे को लगा कर, अपने पापा को लगा कर फिर से गया है वो जहाँ पर होली जली है, क्योंकि अभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो होली खेलना है उसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? हैप्पी होली। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब गाँव निकल रही हूँ ना, तो ये बैग सब रेडी हो चुका है। और ये मेरी साड़ी, बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है मेरी साड़ी, बताइएगा। और इधर पति देव भी तैयार हो गए, होली का टाइम है तो सब ऐसे ही जैसे तैसे तैयार हुए हैं। बाबू मेरा अंदर तैयार हो रहा है, तो चलिए अभी निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर गाड़ी वगैरह अंदर कर दी है और ये बैग वगैरह सब रेडी हो चुका है। अब पूरी पूरी निकलने की तैयारी हो चुकी है हमारी। और ये हम लोग ई रिक्शा में बैठ कर अब स्टेशन की तरफ निकल पड़े हैं। और यहाँ पर स्टेशन पर पहुँच गए और स्टेशन पर आते ही सबसे बड़ा तो एक हादसा हो गया। हादसा क्या हो गया कि मतलब लिफ्ट से ही हम लोग ऊपर आए थे और वो तो चलने वाली लिफ्ट थी, लेकिन जिस लिफ्ट से हम लोग नीचे आए थे वो लिफ्ट डिब्बे वाली थी कि वो नीचे ही मतलब छोड़ देती। तो सबसे पहले मेरा बाबू लिफ्ट के अंदर चला गया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि लिफ्ट बंद हो गई, हम लोग अंदर आ ना पाए। फिर बटन चालू करी और फिर हम चारों लोग अंदर गए। और आज चारों लोग जब अंदर गए तो लिफ्ट फिर ऑन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम चार लोग थे और इतनी नॉलेज थी नहीं। अब हम लोग परेशान, फिर किसी तरह से वो लिफ्ट मतलब ऑन हुई, तब हम लोग नीचे अपने प्लेटफॉर्म पर आए जिस जगह पर ट्रेन आनी थी। और ये ट्रेन पर हम लोग बैठे हुए हैं, तो और ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देखिए, ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पहले कुछ पूछी ना, बहुत ज़्यादा थी। ये तो बाद में हम लोगों को अच्छी सी सीट मिली और बुक करके नहीं आई थी, क्योंकि 2-4 घंटे का रास्ता है तो उसमें बुक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पर जब मैं ट्रेन से उतरी, अपने स्टेशन पर उतर गई, तो मैं देख रही थी कि ट्रेन कितनी लंबी, बाप रे, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि अजगर लंबा होता है ना, उसी तरह से ये ट्रेन पूरी लंबी लंबी। मैं सोच रही थी कि ये कहाँ पर इसकी एंड है, तो मैं उसी को कैद कर रही थी कि इसकी एंडिंग है कहाँ पर। तो ये समझ लीजिए, जबकि काफ़ी ट्रेन आगे निकल चुकी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेन आगे निकल चुकी थी। यहाँ पर खड़ी होकर मैं अपने भांजों का मतलब इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो लोग आने वाले थे। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ घर और ये हम लोग आ गए हैं जहाँ हम लोगों को आना चाहिए, अपने गांव। और ये बैठी है कड़वा पागल बनी हुई और ये बाबू मेरे रेडी हो रहे हैं होली खेलने के लिए, और मैं भी जा रही कपड़े चेंज करने। ठीक है, फिर मिलते हैं अभी बाद में। क्या चीज़ है
और यहाँ पर ये होली वाला बम लेकर आए थे बाबू मेरे, तो उसको ट्राई कर रहे थे क्योंकि घर पर तो चेक नहीं किया था, तो उसको देख रहे थे कि मतलब कि ये इसमें आवाज़ होती है कि कलर निकलता कैसे क्या है। इसका जो बड़ा वाला पीस था उसको तो यूज़ किया था, उससे तो धुएं के साथ कलर निकलता, और इसमें भी कलर निकला है, कोई भी आवाज़ नहीं थी, केवल कलर निकला है लेकिन छोटा होने के कारण बहुत थोड़ा सा निकला है। और इस जगह मैं छोला बना रही थी, तब तक छोला जैसे ही मैं बैठी छोला बनाने के लिए सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर मैं सिलेंडर फिर चेंज करने लगी हूँ क्योंकि घर पर कोई भी नहीं कर पाता है, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। और ये हमारी कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और पसंद आए, अगर हमारी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पसंद आए तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर बैठी है हमारी दीदी और मैं लगा रही हूँ सिलेंडर, और यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं खुशबू वगैरह तो नहीं आ रही है, तो और ये देखिए ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये देखिए छोला भी रखा हुआ है। और करुणा हमारी कह रही कि रुको पहले हम चेक करके देखते हैं उसके बाद फिर आप बनाओ। ये छोले वाला मसाला चढ़ा हुआ है, और जैसे ही मसाला तैयार हो रहा तैसे ही मेरी सिलेंडर जो है ख़त्म हो चुकी थी। और यहाँ पर शाम का टाइम है और करुणा मेरी नहाने जा रही थी, तो करुणा के साथ होली नहीं खेली थी, मैंने कहा सबसे पहले तो हम करुणा को ही कलर लगा देते हैं, तो वही मैं कर रही थी क्योंकि इन लोगों ने होली खेली ही नहीं मुझसे, सब ने अबीर गुलाल थोड़ा थोड़ा लगा कर सब भाग गए, तो वही मैं कर रही थी करुणा के साथ। ये देख लीजिए आप लोग भी कि करुणा का क्या हाल बना दिया मैंने। और हाँ, वीडियो अगर पसंद भी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, ना भी आए तो भी कर दीजिएगा। और ये देखिए करुणा को मैंने पूरा का पूरा भूत बना दिया है और यहाँ पर करुणा आ गई है, मेरी सर धो रही है। और ये हैं मेरे जीजा यानी करुणा के पिताजी, और ये बैठी है दीदी, और यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ रंग, रंग लगाने के लिए आती हैं, तो दीदी मेरी लगाई हुई थी तो उन्होंने बोला तुम लगवा लो क्योंकि मैंने तो लगाया ही नहीं था, तो दीदी बोली तुम लगवा लो, तो वही मैं कर रही थी, रंग लगवा रही थी। पर बैठा है मेरा बाबू और मेरे जीजा, और करुणा बैठी है नहा धोकर, और जीजा ने तो मेरे अभी तक नहीं नहाया है। और ये रात का सीन है, रात में जो डांस वगैरह हो रहा था तो ये उसकी वीडियो थोड़ी सी बनाई है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।